आप काशी से जब जाएंगे तो नए विचार, नए संकल्प, यहां का आशीर्वाद, यहां के अनुभव कितना कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन वो दिन भी याद करिए जब आप यहां आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। बनारस आने वाली काफी सड़कें भी अब चौड़ी हो गई है। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है ये अच्छी तरह से समझते हैं। यहां आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाए या मां गंगा के घाटों पर जाए, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही है। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इस विकास का लाभ यहां आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12-12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है वो वाकई ही देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने यह दिखाया है
कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था, वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं, युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथियों, सदगुरु सदाफल जी ने स्ववेद में कहा है, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। यानी सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा, ऊंच नीच से भेदभाव से मुक्ति, यही तो आज देश की प्रेरणा है। आज देश का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं मेरा के स्वार्थ से ऊपर उठकर आज देश सबका प्रयास के संकल्प से आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्वाधीनता संग्राम के समय सदगुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है, लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने सर्वेद में कहा हमें योग का, विहंगम योग का मार्ग भी दिया था। उनका सपना था कि योग जन जन तक पहुंचे और भारत की योग शक्ति पूरे विश्व में स्थापित हो। आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए, योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि सदगुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। मैं जानता हूं विहंगम योग संस्थान वर्षों से इस विचार को आगे बढ़ा रहा है। आपका आदर्श वाक्य है, गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता के साथ इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए गोधन को हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ बनाने के लिए देश में अनेक प्रयास हो रहे हैं। साथियों, हमारा गोधन हमारे किसानों के लिए केवल दूध का ही स्रोत न रहे, बल्कि हमारी कोशिश है कि गौ वंश प्रगति के अन्य आयामों में भी मदद करे। आज दुनिया स्वास्थ्य को लेकर सजग हो रही है, केमिकल्स को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ विश्व लौट रहा है। हमारे यहां
गोबर कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा आधार होता था, हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी करता था। आज देश गोबर धन योजना के जरिए बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है और इन सब से एक तरह से पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। आज से दो दिन बाद 16 तारीख को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस पर एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होने जा रहा है। इसमें पूरे देश से किसान जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और बाद में किसानों को घर घर जाके बताएं। एक ऐसा मिशन है जिसे जन आंदोलन बनना चाहिए और इसमें आप सभी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश अनेक संकल्पों पर काम कर रहा है। विहंगम योग संस्थान सदगुरु सदाफल देव जी के निर्देशों का पालन करते हुए लंबे समय से समाज कल्याण के कितने ही अभियान चला रहा है। आज से दो साल बाद आप सभी साधक यहां 100वें अधिवेशन के लिए एकत्रित होंगे। दो साल का ये बहुत उत्तम समय है, इसे ध्यान में रखकर मैं आज आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सदगुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। ये ऐसे संकल्प हो सकते हैं जिन्हें अगले दो साल में गति दी जाए, मिलकर के पूरा किया जाए। जैसे एक संकल्प हो और हो सकता है हमें बेटी को पढ़ाना है, हमें हमारी बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तैयार करना है, अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो एक दो गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। एक और संकल्प हो सकता है पानी बचाने के लिए हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है। इसके लिए भी आपसे संस्थान द्वारा नए अभियान शुरू किए जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, देश आज प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। इसके लिए लाखों लाख किसान भाई बहनों को प्रेरित करने में भी आप सब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें अपने आसपास सफाई स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देना है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर गंदगी न फैले, ये ध्यान रखना है। परमात्मा के नाम से आपको कोई न कोई सेवा का ऐसा कार्य भी जरूर करना है जिसका लाभ पूरे समाज को हो। मुझे विश्वास है इस पवित्र अवसर पर संतों के आशीर्वाद से ये संकल्प जरूर पूरे होंगे और नए भारत के सपनों को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का मैं आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण पवित्र अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला, इस पवित्र स्थान का दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूं।
हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशाल जनसभा को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई सारे संकल्प भी लोगों को दिलाए हैं, जैसे कि स्वच्छता का संकल्प, नदियों को साफ रखने का संकल्प। इससे पहले कई सारी बातें भी पीएम मोदी ने कही हैं। ये भी कहा है कि वाराणसी ये दिशा देता है देश को, शुभ संकल्पों को लेने की प्रेरणा दी, हम सब उन्हें सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसी आश्वासन के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे पीएम मोदी उमराहा में, यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और पीएम मोदी ने कई संकल्प भी लोगों को दिलाए।